बैक टू माय चैनल तो आज हम देखेंगे इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब में पिछले वीडियो में हमने इन्स्टेशन का पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया था इन्लिस्ट्रेशन का मींस व्हाट पिक्चर्स ऑनलाइन पिक्चर्स शेप्स स्मार्ट आर्ट वगैरह ओके तो ये वाले सब वीडियो की लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी तो आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा ताकि ता आपको पता चले कि पिक्चर्स क्या है शेप्स क्या है एंड स्मार्ट आर्ट क्या है अब हम देखेंगे यहाँ पर लिंक्स का जो सेक्शन है ये हम देखेंगे ये हाइपर लिंक बुक मार्क ये देखेंगे अभी क्या है अभी एक ब्लैंक पेज लूंगी मैं एक तो ब्लैंक पेज लेने के बाद अभी एक हाइपर लिंक है आई हाइपर लिंक मीन वॉर्ड अभी आप कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप कर रहे हो तो आपको बार बार इंटरनेट uh, यूज करना हो या फिर बार बार आपको एक वेबसाइट जो है आपकी वो टाइप करनी होगी लाइक आपको इंटरनेट पे जाओगे फिर वो वेबसाइट टाइप करोगे फिर वो सर्च करने के बाद आपको वो डेटा आ जाएगा वैसे कर करते बैठेंगे तो बहुत अप, अपना समय जो है निकल चला जाएगा तो आपको सिंपली क्या करना है ना है ओके टाइप करने के बाद आपको क्या करना है उसको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद उसको हाइपरलिंक करना है ओके okay, तो हाइपरलिंक्स मींस मीन्स अभी ये जो वर्ड है इसको मैं एक लिंक दूंगी तो लिंक देने के बाद उसको जो है वेबसाइट वो आ जाएगी वो कैसे करेंगे अभी देखो यहाँ पे एड्रेस देखा गया है तो एड्रेस पे आप डब्ल्यू जो कुछ भी है डब्ल्यू या फिर गूगल ओके तो गूगल डॉट को हमने कर दिया और उसको जो है ओके okay कर दिया ओके okay करने के बाद ये जो हमारा वर्ड जो ये था तो इस ये हमारा रेड रेड uh, में था ओके okay, तो अभी ये हो गया ब्लू में अगर आप व्हाट्सअप वगैरह देखते हो तो व्हाट्सअप में आपको एक लिंक आती है तो वो ब्लू कलर की टाइप की होती है तो वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी जो है एक लिंक लिंक हो चुकी है ओके okay, तो अभी देखो अभी ये कर्सर मैंने यहाँ पे लाया तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि आपको ये जो है ये वर्ड को कौन सी वेबसाइट या फिर कौन सी जो आपने लगाई है वो जो लिंक है वो आप वहाँ पे देख सकते हो तो सिंपल आपको क्या करना है ये ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल करना है कंट्रोल की प्रेस करके अपना माउस से उसको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपने जो भी वेबसाइट डाली है वो वेबसाइट वो तुरंत ओपन कर देगा मैंने गूगल की डाली थी तो वो गूगल का पेज उसने ओपन कर दिया तो आप देख सकते हो कि आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी सिर्फ वन एक ही वर्ड का आप लिंक दे सकते हो लिंक देने के बाद आप क्या कर सकते हो उसको सिंपली वन क्लिक से आपका जो इंटरनेट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा ओके सो बुकमार्क है बुकमार्क के लिए आपको जो कुछ भी नेम है या फिर सपोज गो फिर ऐड करना है तो ये बुक मार्क जो है वो एड हो जाएगा अब नेक्स्ट हम देखेंगे हेडर हेडर एंड एंड फुटर फुटर पेज नंबर। क्या होता है अब आप देख सकते हो कि पेज ओके okay, आपको एक बुक राइटिंग करनी है तो बुक राइटिंग के लिए आपको एक हेडर देना है आप हेडर दे सकते हो फुटर दे सकते हो एंड पेज नंबर ओके तो कैसे करना है आपको एक हेडिंग देना है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे हेडर्स के टाइप्स दिए गए हैं तो आप कौन सा भी हेडर जो है आप चूज कर सकते हो लाइक like मैंने अभी जो फर्स्ट वाला है मैंने ले लिया ओके okay? उसके बाद यहाँ पे टाइप हियर आया चलो मैं अभी यहाँ पे एक टॉप या ऐसे लिख देती हूँ या यहाँ पे फिर मैं क्लोज हेडर एंड फुटर कर देती हूँ हो करने के बाद मैं अभी इसको सिलेक्ट कर देती हूँ तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है जो नीचे का वर्ड जो है हमारा वही सिलेक्ट हो रहा है अब देख सकते मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी तो ही इतना जो पार्ट है वो हेडर सेक्शन होता है यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते एक बार हमने जो है हेडर एंड फूटर टाइप करके क्लोज कर दिया तो वहां पे हम चेंजेस ज्यादातर नहीं कर सकते जब आप डबल क्लिक करोगे तब तब भी वो चेंजेस हो जाएगा ओके तो आप समझ सकते हैं ये जो है वो फ्रीज हो गया है वैसे ही सेम हम, हम क्या करेंगे फुटर भी दे देंगे ओके फुटर के भी वैसे ही टाइप है जैसे हेडर के है ओके तो क्या करना है फुटर फुटर लेना है। फुटर लेने के बाद यहाँ पे क्या करना है सपोज मैंने एंड टाइप कर दिया ओके एंटर कर दो या फिर क्लोज हेडर एंड फुटर ओके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सारे पेजेस को जो है टॉप एंड टॉप एंड टॉप एंड ऐसे जो है हेडर एंड फुटर सभी पेजेस को लग चुका है ओके okay, तो आप क्या कर सकते हो इंसर्ट में आके आपको पेज नंबर देना है अब पेज नंबर देने के लिए आपको टॉप ऑफ पेज है या फिर बॉटम ऑफ पेज है तो टॉप ऑफ पेज इधर जो बुक में रहते हैं हम देखते हैं कि जो पेज नंबर जो होते हैं वो टॉप में होते हैं या फिर वो बॉटम में होते हैं ओके तो हमें जहाँ भी देना है हम वैसे दे सकते हैं लाइक हमें मोस्ट ऑफ हम बॉटम में देखते हैं, तो बॉटम में यहाँ पे राइट साइड में देना है या सेंटर में देना है या लेफ्ट में देना है या पेज वन करके देना है या फिर उसको राइट लेफ्ट राइट या सेंटर में रखना है ये आपके ऊपर है तो हम कैसे कर सकते हैं like, लाइक मैंने अभी ये सेंटर वाला ले लिया अभी क्लोज हेडर एंड फुटर कर देती हूँ मैं अभी यहाँ पे देख सकती हूँ कि ये जो है हमारा फर्स्ट पेज लास्ट पेज जो है हम वो देख सकते हैं देखो ये फर्स्ट पेज है ये जो होगा सेकेंड पेज देखो ये हो गया थर्ड पेज

मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएंगी तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग